Hello students, class 10. I hope you all are well. Today I am continuing the chapter notes of the rise of the nationalism in Europe ke bare mein bata rahe the. We do 5 of the chapter. To aaiye baat karte hain agar romanticism ki to wahan par jo romanticism aaya to romanticism tha kya. बेसिकली अगर हम बात करें रोमांटिज्म की तो हम देखते हैं वहाँ पर एक क्रांतिकारी युग तो था ही कि किस तरीके से यूनान में यूनान के लोगों ने संघर्ष करके अपने देश को स्वतंत्र बनाया. तो फाइनली अगर हम रोमांटिज्म की बात करें तो अर्ली 19th सेंचुरी में काइंड ऑफ मोमेंट जो 19th सेंचुरी में जो एक मोमेंट एक सेंटीमेंट्स थे Which belong brings the feeling of nationalism, जिसमें लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपनी, लोगों के दिलों में एक हम कह सकते हैं कि in the heart of people the feeling of nationalism, such sentiments arise, feelings arise, यानी अगर लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है, देश प्रेम की भावना पनप रही है, तो वो romanticism है. तो इसके लिए अगर हम देखें तो किस तरीके से फेरी टेल है, लैंग्वेजेज हैं, सॉन्ग्स हैं, पोएम्स हैं, साइंस डेवलपमेंट है. तो जो टेक्स्ट लिखे होते थे वो एक देश की ग्लोरी के बारे में लिखे होते थे. चाहे हम यूरोप के देशों की बात करें या भारत की बात करें तो ये जो मैगजीन्स थी, बुक्स थी, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती थी सेंटीमेंट्स अराइज करने में. जो जनभावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उसको अराइज करने पे जो बुकें हैं और बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है. लैंग्वेज है, अलग अलग लैंग्वेजेज में बुकें या न्यूज़पेपर लिखे होते थे तो लोगों में सेंटीमेंट्स राइज होते थे, नेशनलिज्म क्रिएट होता था. तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज हमेशा से हम देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता आया है एक वेपन के रूप में. जब एक देश पर दूसरे देश के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो लैंग्वेज होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. तो यहाँ पर अगर आप जब देखें रशिया ने एक बार जब पोलैंड पर पोलिस लोग वहाँ की जनता पर कब्जा कर लिया था यानी अधिकार कर लिया था तो तब क्या हुआ था. तो हमने देखा कि पोलैंड में रशिया ने जब आक्रमण करके कब्जा कर लिया था तो लैंग्वेज उस समय क्या था. पोलैंड में भी हमने ये देखा कि लैंग्वेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिज्म, नेशनल सेंटीमेंट्स यानी राष्ट्रीय जनभावना को अराइज करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है. सेंटीमेंट्स मीन होता है भावनाएं. हमारी जो नेशनलिज्म की भावना जो है वो कब अराइज होगी, जब हमें लगेगा कि हमें एक होना चाहिए, हमें यूनिटी की भावना आएगी उस समय, हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं हमें एक होना चाहिए. जैसे पोलैंड में हुआ, पोलैंड में पोलैंड के लोगों ने भाषा को क्या निभाया उस समय, उसमें पोलैंड के लोगों में जो भाषा थी वो नेशनल सेंटीमेंट्स के रूप में जागृत करी भाषा ने, उनको एक भावना जागृत हुई देश प्रेम की. आफ्टर द रशियन ऑक्यूपेशन, जैसे ही रूस ने क्या किया था, ऑक्यूपेशन किया, द पोलिश लैंग्वेज वर फोर्स आउट. तो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन यानी कि रशिया के कब्जे के बाद, ऑक्यूपेशन माने होता है कब्जा, तो रशिया ने जैसे कब्जा किया उसके बाद क्या हुआ, पोलिश लैंग्वेज वर फोर्स आउट ऑफ स्कूल. जो पोलिश भाषा थी वो स्कूलों से हटा दी गई, क्योंकि पोलैंड में पहले पोलिश भाषा होती होगी. तो जब रशिया ने उसमें कैप्चर कर लिया यानी कि ऑक्यूपाई कर लिया उस देश को, तो वो नहीं चाहते थे कि पोलैंड में पोलिश भाषा बोले वहाँ के बच्चे, या पोलिश भाषा में वहाँ की किताबें हों, वहाँ की पीपल पोलिश भाषा पर ज़्यादा बेटर फील करते हों. तो कहीं ना कहीं वहां पे रशियन लोग, रशियन की गवर्नमेंट चाहती थी कि वहां के स्कूलों में बच्चे रशियन भाषा को ना बोलें, रशियन भाषा बोले सॉरी, और पोलिश भाषा को ना बोलें.
ऑफ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज एंड इम्पोज, और हर जगह ये देखा गया कि पोलैंड में पोलिश भाषा को हटा के रशियन भाषा को थोप दिया गया हर जगह पर, चाहे वहाँ जितने शॉपिंग मॉल्स थे, स्कूल्स थे, या जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, हर जगह पर रशियन लैंग्वेज को थोपा गया। यानी रूसी भाषा को हर जगह हम कह सकते हैं जबरन लाद दिया गया उन पर, वहाँ के लोगों पर जो पोलैंड के लोग थे। इन 1831 में अगर हम देखें रूस के विरुद्ध क्या हुआ, एक आर्म्ड रेवेलियन हुआ, यानी कि एक हम कह सकते हैं सैनिक विद्रोह हुआ, सशस्त्र विद्रोह हम कह सकते हैं, शस्त्रों का विद्रोह हुआ अगेंस्ट रशियन रूल, रशियन रूल के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह हुआ आखिरकार, विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड। लेकिन हम कह सकते हैं दुर्भाग्यवश कहें या संयोगवश कहें, ये जो विरोध हुआ ये कुचल दिया गया, यानी कि रशियन आर्मी ने इस विद्रोह को कुचल दिया, सशस्त्र विद्रोह जिसे हम कहेंगे। तो कहीं ना कहीं पर जहां पर पोलैंड के पीपल पोलिश भाषा को छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, दे वर नॉट इन फेवर टू गिव अप द पोलिश लैंग्वेज, ऑन अदर हैंड रशियन वाइल ऑक्यूपाइड द पोलैंड द गवर्नमेंट ऑफ रशिया इम्पोज्ड द रशियन लैंग्वेज ऑन द पोलिश पीपल, पोलिश लोगों पर रशियन भाषा को जबरदस्ती थोप दिया गया, हर जगह पर रशियन भाषा होगी बोल दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पर जब एक देश में दूसरे देश का कब्जा है, तो वहां पर एक नेशनल सेंटिमेंट्स क्रिएट करने के लिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटके एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा इंडिया के सेंस में, जब भारत को ब्रिटिशर्स ने गुलाम बना लिया, उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडियंस लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए कि आप इंग्लिश सीखिए, और इंग्लिश अगर आप सीखेंगे तो कहीं ना कहीं उनको काम मिलेगा, दे विल गेट द वर्क। लेकिन भारतीय लोग क्या चाहते थे, उनमें एक नेशनल सेंटिमेंट्स के तौर पे हिंदी हिंदी भाषा ने क्या किया, अपना प्रभाव दिखाया, एक राष्ट्रीय हम कह सकते हैं सेंटीमेंट्स, एक फीलिंग्स क्रिएट हुई वहां पर भारतीय लोगों में। और उन्होंने ठीक है दिखावे के लिए ब्रिटिशर्स को इंग्लिश वो सीखा करते थे, लेकिन अपने परिवार में अंदर वो क्या कहते थे, हिंदी बोलते थे। तभी यही कारण रहा कि आज हिंदी एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि हिंदी क्या हो चुकी होती, विलुप्त हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती हिंदी भाषा। तो 1831 में रिवेलियन के आम रिवेलियन होने के बाद भी रशियन ने उसको अल्टीमेटली क्रश कर दिया। मैनी मेंबर ऑफ क्लर्गी, इसी सिलसिले में जो बहुत सारे जो सदस्य थे, मैनी मेंबर जो थे क्लर्गी के, यानी कि हम कह सकते हैं क्लर्गी के जो पादरी जो लोग थे, उनके जो बहुत सारे सदस्य थे इन पोलिस में, बिगेन टू यूज लैंग्वेज, वो क्या करने लगे, ये भाषा को हथियार बनाया उन्होंने, यूज लैंग्वेज एज ए वेपन, यानी कि पोलिश भाषा को, बहुत सारे पादरी मेंबर सदस्य थे, उन्होंने पोलिश भाषा को एक हथियार बनाया राष्ट्रवादी विरोध के अगेंस्ट, जो राष्ट्रवादी विरोध था, नेशनल रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस मीन्स विरोध। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पादरी के सदस्य थे उन लोगों ने पोलिश भाषा को एक राष्ट्रवादी हथियार के रूप में यूज किया, भाषा को, जो ये भाषा थी राष्ट्रवादी हथियार के रूप में, राष्ट्रवादी विद्रोह के रूप में हम कह सकते हैं इसको अपनाया। पोलिस वॉज यूज फॉर चर्च, और इस तरह से जो अभी पोलिस में चर्च का आयोजन होता था, वहां पर हम कह सकते हैं रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे, जो पूरी धार्मिक शिक्षा जो थी एज अ रिजल्ट, तो वो पोलिस भाषा में दी जाती थी। यानी कि चर्च में जितने फादर जो होते थे वो लोग क्या करते थे, ये धर्म की शिक्षा होती थी, धार्मिक निर्देश जो होते थे वो पोलिश भाषा में ही देते थे, हालांकि इंस्ट्रक्शन काफी स्ट्रिक्ट थे कि पोलिश भाषा, द पोलिश लैंग्वेज विल नॉट बी यूज इन एनीवेयर।
तो इम्पोज्ड की थी, यानी रशियन भाषा इम्पोज्ड कहते हैं, जबरदस्ती थोपी गई थी पोलैंड पीपल पर, पोलैंड के लोगों पर। क्या पोलैंड के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे थे? नहीं, एक नेशनल रेसिस्टेंस, एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह पनपा था, एक भाषा को हथियार के रूप में अपना रहे थे वो। और हमने देखा कि पुलिस ने जो चर्च में थे, पुलिस में, पुलिस के चर्चों में ये भाषा, इस भाषा को एक धार्मिक का एक माध्यम के रूप में अपनाया गया, और संपूर्ण जो शिक्षा थी वो पुलिस भाषा में दी गई। इसके परिणाम में क्या हुआ वहां पर? नंबर ऑफ प्रिस्ट, इसमें कई सारे जो पुजारी थे और बिशप्स थे, इसमें हमने देखा पादरी और जो बिशप्स थे वो चर्च के ही होते हैं बिशप भी, पुट इन और सेंट टू साइबेरिया, उसको या तो जेल में डाल दिया जाता था, और या तो पुट इन और सेंट टू साइबेरिया, या तो साइबेरिया में भेज दिया जाता था, और साइबेरिया में उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था, मौत से बदतर शायद उनकी जिंदगी थी। जितने भी बिशप्स थे, क्लर्गी थे पोलैंड में, जो पोलिश भाषा में ही अपने क्रिश्चियन धर्म का प्रचार कर रहे थे, एक नेशनल रेसिस्टेंस पूरे देश में दिख रहा था, और भाषा ही उनके लिए एक माध्यम थी, एक की थी, एक चाबी थी जो उनको शायद आज़ादी दे, गुलामी से आज़ाद दिला सकती है। क्योंकि एक बहुत सिंपल है, अगर हमें किसी देश को ना बेटा, अगर हमें किसी देश को गुलाम बनाना है, तो डेफिनेटली उन पर अपने सबसे पहले उनकी भाषा को चेंज कर दो, यानी कि उनकी भाषा ही नहीं रहेगी। क्योंकि अगर उनकी भाषा चेंज कर दी गई, जैसे इंडिया में भी यहाँ पर इंग्लिश भाषा धोबी गई, बेशक वो मन से इंडियन हो, लेकिन जो उनका बोलने का स्पीच था, टोन था, उससे वो कन्वर्ट कर दिया था उन लोगों को उस देश के नागरिक के रूप में। तो देख सकते हैं मन उनका चेंज कर दिया, मैं कहना चाहूंगा मन तो चेंज किया जा सकता है, उनमें दूसरे आइडियाज और जो सेंटिमेंट्स हैं उनको चेंज करके, क्योंकि अगर उस भाषा में अगर आप किसी देश का गुणगान करते हैं या उनकी कुछ आइडियोलॉजीज बताते हैं, तो बेटर तरीके से लोगों के दिमाग में पहुंचेगी। यानी कि ठीक है, शरीर यहीं का है उनका, लेकिन मन से क्या कर दिया, उनको फॉरेनर बना दिया गया था। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि रूसी जो अधिकारी थे, जिन्हें रशियन अथॉरिटीज थे, उन्होंने पनिशमेंट के रूप में उन्हें साइबेरिया भेजा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोलैंड लैंग्वेज, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पोलिश लैंग्वेज। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम 1830 की बात करें, 1830 में यूरोप में हमने देखा, यूरोप के ज़्यादातर देशों में बहुत सारी हार्डशिप आई, ये याद रखिएगा, परेशानियाँ लेके आया ये ईयर उनके लिए। तो हम देखते हैं जो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी प्रथम भाग में, हमने देखा कि जो यूरोप की जो पॉपुलेशंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और यूरोप में पॉपुलेशन ज़्यादा पड़ने से खाने पीने की चीज़ों की जो डिमांड थी वो भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने से वहाँ क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई थी, बहुत सारी हार्डशिप परेशानियाँ उनको सहनी पड़ रही थी। मोस्ट कंट्रीज में देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बहुत सारे देशों में यूरोप के जो काम पर जाने वाले लोगों की संख्या थी वो ज़्यादा थी, काम की अपेक्षा, यानी काम की अपेक्षा काम ढूंढने वालों की संख्या ज़्यादा थी और काम कम था। इसका अर्थ क्या हुआ, बेरोजगारी ज़्यादा थी वहाँ पर, जॉब सीकर्स ज़्यादा थे, द जॉब सीकर्स देयर आर मोर जॉब सीकर देन द एम्प्लॉयमेंट देन द वर्क, काम के मुकाबले में काम तलाश करने वाले ज़्यादा लोग थे। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं गांव से भी लोग क्या आते थे, ये याद रखिएगा, लिख सकते हैं आप, गांव से बहुत सारे लोग क्या आते थे, शहरों में आते थे काम की तलाश में, और शहरों में आके वो क्या करते थे, गरीब जो मलिन बस्तियां होती थी, स्लम्स एरियाज होते थे, वहां पे रहते थे। और जो नगरों में अगर हम देखें, सिटीज में जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते थे, वो इंग्लैंड द्वारा इंपोर्ट किए गए जो मशीनों के द्वारा कपड़ा तैयार किया जाता था, उनसे कंपटीशन नहीं कर पाते थे यूरोप के देश,
और इंग्लैंड में क्या था, मैन्युफैक्चर ज़्यादा हाई स्किल में होता था और उसके जो प्राइस थे वो कम थे, तो यूरोप के ज़्यादातर देश इस कंपटीशन का सामना, द यूरोपियन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री कुड नॉट फेस द टेक्सटाइल मिल, जो टेक्सटाइल कपड़े थे उनका कंपटीशन नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द लेवल ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वेरी हाई इन इंग्लैंड, और महाद्वीप में यह प्रतिस्पर्धा अगर हम देखें कपड़े उद्योग में ज़्यादा झेलनी पड़ गई थी। तो हमने ये देख सकते हैं कि इंग्लैंड से जो कपड़ा उद्योग तैयार होके आता था वो यूरोप के देशों में ज़्यादातर आता था, और यूरोप के जो ज़्यादातर देश थे इन कपड़ा का जो कंपटीशन प्रतियोगिता नहीं सह पाते थे। क्यों? क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर देशों में जो कपड़े बुनकर जो थे वो घरों में ये काम किया करते थे, वहाँ पर ज़्यादा मशीनीकरण भी नहीं था यूरोप के देशों में। और यूरोप के उन इलाकों में जहाँ अभी भी सामंती प्रथा थी, फ्यूडल सिस्टम था, तो इसके तहत उनको जमींदारों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था किसानों को, अगर किसान के खेत में फसल हो ना हो, सामंती प्रथा में उनको हर हाल में क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था, रेंट ज़्यादा देना पड़ता था उनको। तो इस वजह से वो क्या करते थे, इंग्लैंड द्वारा जो आयातित कपड़ा था उसका सामना नहीं कर पाते थे, टफ कंपटीशन हुआ करता था। तो इस कारण से भी हमने देखा कि एग्रीकल्चर में भी उनको कई सारे क्राइसिस झेलने पड़े थे, क्योंकि कई बार सूखा पड़ जाता था, सूखे के कारण फसल नहीं हो पाती थी, या कई बार हम देख सकते हैं कि फसल बर्बाद हो जाती थी, या खाने पीने की चीज़ों के दाम बहुत बढ़ जाते थे कई बार, तो बहुत मुश्किलें आती थी इनके लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि हम देख सकते हैं 1848 में फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी, भोजन की कमी, क्योंकि फसल बर्बाद हो गई या सूख गई और बाजार में कीमतें बहुत बढ़ गई फूड की, तो हर जगह पर भोजन की कमी हो गई चारों ओर, और बेरोजगारी हो गई, लोगों के पास काम नहीं था, रोजगार सब अवेलेबल नहीं था। तो जो ज़्यादातर जनसंख्या थी वो इसी गरीबी भुखमरी के कारण फ्रांस की सड़कों पर आ गई, और 1848 का ये वर्ष था जहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई थी और पेरिस की सड़कों में लोग देखे जा सकते थे। और 1848 में ही याद रखिएगा जो कृषक थे, किसान थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और हम देखते हैं बैरिकेड्स, बैरिकेड्स कहते हैं अवरोध, अवरोध लगा दिए गए थे जगह जगह पर ताकि लोग विद्रोह ना करें। तो बैरिकेड्स वेर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप, हमने तो बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का राजा बनाया गया था वहां पर 1815 के बाद से, तो लुई फिलिप को बनाया गया था, उसको भागने में मजबूर कर दिया। अब क्यों भाग गया वो, अरे भाई फायदा क्या हुआ लुई फिलिप को राजा बना के, उसके राज में जब भुखमरी हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, हर जगह पर लोग बहुत परेशान हैं, तो क्या फायदा उस लुई फिलिप के राजा होने का, तो ऐसे राजा होने से ना होना ज्यादा अच्छा है। तो फाइनली लुई फिलिप को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा वहां से, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। और इसके बाद फाइनली अगर देखा जाए तो, जैसा देखा जाए तो नेशनल असेंबली बनाई गई वहां पर, इसके बाद लुई फिलिप्स के भागने के बाद, जब वहां इतनी बेरोजगारी थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लोगों के पास काम नहीं था, एक नेशनल असेंबली फॉर्म की गई रिपब्लिक के रूप में। अब ये जो नेशनल असेंबली थी वो क्या कर रही थी, इस नेशनल असेंबली का काम क्या था फ्रांस में, दे प्रोवाइडेड राइट टू वोट, जैसे कि वोट देने का अधिकार नहीं था हर किसी को, आफ्टर 21 की एज कंप्लीट होने पे वोट देने का अधिकार दिया गया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, ये तो बहुत जरूरी था भाई, रोजगार तो था नहीं क्योंकि काम करने वालों की तादाद ज्यादा थी, काम की अपेक्षा काम ढूंढने वालों की, जॉब सीकर्स ज्यादा थे, देयर आर मोर जॉब सीकर्स देन द एम्प्लॉयमेंट, सो एम्प्लॉयमेंट वॉज प्रोवाइडेड थ्रू द नेशनल असेंबली के द्वारा। और अगर हम देखें जो ये चेंजेस आए थे वहां पर, काफ़ी चेंजेस देखने को मिले थे, बहुत ज़्यादा जगहों पर नेशनल जो इंडस्ट्रीज थी वो स्थापित की गई, लेकिन इसके बाद भी सिलेसिया एक जगह थी फ्रांस में, वहाँ पर जो वेवर्स थे उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, ये याद रखिएगा 1845 में सिलेसिया नामक जगह पर विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जो निर्मित कपड़ा वो बनाते थे उनके जो उनको दाम मिलते थे वो बहुत ही कम मिला करते थे,
और भाई एक्सप्लोइटेशन शोषण तो देखा जाता था, तो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। लिबरल्स जो थे, उदारवादी लोग थे, 1848 में आते आते उन्होंने क्या कर दिया, लिबरल्स लोगों ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब ये लिबरल्स थे कौन, हम लिबरल्स किन्हें कहेंगे, बेसिकली जो एजुकेटेड लोग थे, मिडिल क्लास लोग थे, जो समझते थे कि देश का डेवलपमेंट किसे कैसे हो सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं एक राजतंत्र से तो देश का विकास नहीं हो सकता है, मोनार्की से देश का विकास नहीं हो सकता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ सकता है, लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के जो लोग थे, एजुकेटेड थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, टीचर्स थे, लॉयर थे, ये लोग मिडिल क्लास में आते थे और ये लिबरल्स थे, उदारवाद को अपनाते थे। ये चाहते थे कि जो जनता के द्वारा गवर्नमेंट जो चुनी जाए, गवर्नमेंट के एसेंट पर, गवर्नमेंट की जो चुनी जाए वो पीपल के एसेंट पर चुनी जाए। तो मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग थे, वो क्या चाहते थे, दे लेड रेवोल्यूशन फॉर नेशनल स्टेट, एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, यानी कि राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे। एक पूरा जो राष्ट्र था उसके अंदर अलग अलग जो टेरिटरीज में बटे हुए थे उनको पूरा, एक क्योंकि एक धर्म, एक कल्चर, एक आइडेंटिटी वो चाहते थे। अब एक रिलीजन, एक रिलीजन ना भी हो तो एक आइडेंटिटी के तौर पे कंट्री को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, नेशन स्टेट के रूप में नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल और जो पार्लियामेंट्री संसदीय सिद्धांत है उसको इन्फोर्स करना चाहते थे, और फ्रीडम चाहते थे, वो चाहते थे कि उनको देश में फ्रीडम मिले। अब जैसे वहां पर सेंसरशिप लागू थी, इसलिए उन्होंने क्या की थी, वह सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी कई जगहों पर, जैसे जज्जे मेजिनी ने बनाई थी, या फ्रांस के अन्य देशों में भी बनी थी। तो कहीं ना कहीं फ्रीडम नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, विरोध किया। इनकी ये डिमांडे थी, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द रिवॉल्यूशंस ऑफ द लिबरल्स एंड व्हाट वेर द आइडियोलॉजीज ऑफ दीज लिबरल्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।